देख रहे हो किचन में मेहनत चालू है, किचन में रिंग लाइट लगा के मजबूत वाला मेहनत चालू है अमिता का। क्या हो क्या रहा है? रिंग लाइट अगर लगा कुछ स्पेशल बन रहा है? आज बना रही हूँ दही बल्ले। दही बल्ले? दही बड़ा है, दही बल्ले क्या होता है? दही बड़ा बोलते हैं, दही बड़ा बोलते हैं ना कि दही बल्ले बोलते हैं? दही बल्ले आई गेस दिल्ली, मेरे को साउंड लग रहा है कि दही बल्ले शायद दिल्ली में बोलते होंगे, एंड दही बड़ा जो है वो नॉर्मली भी आप, मैं महाराष्ट्र से हूँ अभी कोलकाता में, लेकिन दही बड़ा ही सुना है, तो ये बोल रही दही बल्ले बना रही, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इंग्रेडिएंट क्या है, मतलब कैसे बन रही है ये आइटम? है ये बना लिया है अभी, बस इसको पानी में डुबाना, फ्राई हो गया। अच्छा, पानी में डुबाना है एंड इसका शूट चल रहा है, देखो कैमरा वैमरा सेटअप है, एंड ये दही वड़े बने हैं, ये वड़ा ही बना है, कैसा है रे? दही वड़ा का शेप थोड़ा अलग है, तो ये मतलब घर का बनाया हुआ है तो वड़ा अलग है, लेकिन ये बना रही है दही बल्ले। अभी मुझे तो पता नहीं कि दही वड़ा एंड दही बल्ले में क्या डिफरेंस होता है, बट दही वड़ा बेसिकली होता है दही, मीठा मीठा दही होता है, चाट मसाला वगैरह डाल के वड़ा बना के। अच्छा, एग्जैक्टली वही बना रही है, तो दही वड़ा मैंने खाया है, दही बल्ली काई के बोल रही पे? दही बल्ली भी बोलते हैं उसको। अच्छा, तो दही बल्ले दही वड़ा मेरे हिसाब से सेम है, डिफरेंट है तो कमेंट करके मुझे पता कि आई डोंट हैव एनी आइडिया कि भाई डिफरेंट है कि नहीं। तो मैंने दही वड़ा बहुत खाया, दही बल्ले नहीं खाया भाई, अगर दोनों सेम है तो अभी अमिता तो बना ही रही है, कुछ अलग तरीके का बना रही है, होपफुली अच्छा ही होगा, है ना बाबा? होगा अच्छा दही वड़ा, दही वड़ा। क्या हुआ मम्मा, तेरी आंखों में पानी दिख रहा है? हाँ, क्या हुआ? अरे बाबरे बाबरे, मुंह की छुपा रहे? नहीं नहीं, मुंह नहीं छुपा रहा, नहीं। क्या हुआ बोल तो? नहीं बता मेरे को क्या हुआ, क्या हुआ बता। एक्चुअली मैं दही वड़ा बनाते हुए मैं शूट कर रहा था, मैंने चीकू को कवर नहीं किया, मतलब चीकू कुछ बोलना चाहे मैंने कवर नहीं किया, बस उसका दुख। कैमरे में आ गई अभी तो? आ गई ना, बस कर अभी तो, कैमरे में आ गई ना। उसको पता नहीं है कि वो एक्चुअली ये यूट्यूब पे जाता है या फिर लोग देखते हैं, उसको बस देखना है कि मेरे को उसमें वीडियो में होना चाहिए, ठीक है? तो वो वीडियो जब भी देखते वो मोबाइल में नॉर्मली गैलरी में गई, गैलरी में जाके वीडियो पे क्लिक करती है, एंड वो वीडियो प्ले करके देखती है कि उसने क्या रिएक्ट किया है, ठीक है? वो जहाँ डांस की है, हंसी है, जैसा अभी हंस रही है, तो ये हंसी वाला डांस वाला वीडियो देख के वो और एक्साइट होती है और डांस करती है, एंड यू नो अपने आप को वो मोटिवेट करती है देख देख के कि हाँ ये मैंने किया, नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा करना है। तो उसको ये नहीं पता ये वीडियो कहाँ जा रही, कौन कौन देख रहा है, बट उसको वीडियोज में रहना है। गिर गई मम्मा, स्टैंड स्टैंड स्टैंड। तो वो एक्टिंग करके दिखा रही है इस वक्त, चलो एक्टिंग करो बाबा, एक्टिंग करो। तो अच्छा, एक्टिंग इन द सेंस वो जो वीडियो देखती है, सॉन्ग वीडियोस, गाने डांस के वीडियो, जैसे अल्लू अर्जुन का देख लिया, फिर गाने के नाम से ज़्यादा अल्लू अर्जुन इन द सेंस, उसका गाना है रमुलो रमुला करके गाना है, फिर बुर्ज खलीफा, फिर झिंगाट, ऐसे गाने जो मतलब बहुत ही वो रॉक म्यूजिक वाले, मतलब पार्टी म्यूजिक वाले हैं, तो उसको देख के डांस करती भी है, एंड RRR का नाचो 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 जो वो गाना है उसमें वो बहुत डांस डांस करती है, डांस प्रैक्टिस करती है, मतलब देखती जो स्टेप हीरोज कर रहे होते हैं वही स्टेप, वो रामचरण और जूनियर NTR जो स्टेप कर रहे होते हैं गाने में वही स्टेप करती, चाहे वो स्लो मोशन में करे, वो गिरे पड़े जो भी करे, वो एग्जैक्टली वही करती है। देखो अभी भी वही चीज़ कर रही है, वो जो गिरी थी, गिर के दिखा रही थी, वो एक्चुअली गाने में होता, तो बच्चे कॉपी करते बोलते ना, तो वो एग्जैक्टली वही करती है, वीडियोस का देखती है सारे गाने का, डांस करती है, डांस करके जो एग्जैक्ट में एक्टिंग कर रहे होते हैं डांसिंग के वक्त या फिर कोरियोग्राफी जो की होती है डांस में, वो वही कॉपी करके एग्जैक्टली सेम टू सेम करती है, गिरना हो, लेटना हो, टोपी पहनना हो, इन्हें चश्मा पहनना हो या फिर ओढ़नी लेना हो, सब सेम टू सेम कॉपी करके सेम करती है, वैसे उसका हैबिट है ना बाबा? नाचो नाचो पे डांस करती है ना, नाचो 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 डांस करके दिखाओ, नाच 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 नाच। तो ये रेडी होने वाला दही का आइटम अपना, बल्ले भिगा के डाल, वड़ा जो है वो भिगा के डाल दिया है, एंड दही का रेडी हो रहा है, साथ में शूटिंग भी चल रहा है, ये मोबाइल है जिसमें शूट चल रहा है, एंड ये है अमिता जो रेगुलरली वीडियोस डालती रहती है अपने चैनल पे, चैनल का नाम बताना प्लीज, अमिताज क्यूजिन, मेरी वाइफ का चैनल है अमिताज क्यूजिन, द बॉन्ग लेडी भी है ना तेरा चैनल का नाम, द बॉन्ग लेडी भी है एक चैनल है मेरा, एग्जैक्टली यही चैनल है अभिषेक साहेब, तो मेरा मल्टीपल चैनल्स नहीं है, एक ही चैनल से, एंड जिसपे चीकू अमिता और मैं ब्लॉग बनाते हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, ब्यूटी टिप्स,
बहुत सारी वीडियो, मैंने बहुत प्रोफेशन में ट्राई किया, कॉमेडी भी ट्राई कर चुका हूँ, वाइंस भी ट्राई कर चुका हूँ, मैंने इतनी वीडियोस बनाई है ना, इतनी वीडियोस बनाई मैं खुद पगला हो जाता हूँ। लगभग 450 वीडियोस हो गई होंगी शायद तक, 400 प्लस तक हो गई होंगी, या फिर 350 तो हो ही गई होंगी यार। तो वो वीडियोस मैंने बना ही है, बनाते ही जा रहा हूँ, मैं रुक नहीं रहा हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट। मतलब बीच में काम चालू रहता है तो काम चालू होने की वजह से मैं नहीं कर पाता, इसीलिए वीडियोस नहीं आ पाती, लेकिन जब मैं चालू होता हूँ तो फिर वीडियोस आती रहती हैं, रेगुलरली आती ही रहती हैं। जैसे अभी देखोगे तो वीडियो जो चल रही है मेरे चैनल पे, वो एवरी डे दो वीडियो जा रही हैं, एक शॉर्ट्स जा रहे हैं। तो शॉर्ट्स जब मैं शूट करता हूँ तो इसी तरीके से जो लाइट देखा आपने, रिंग लाइट, वो रिंग लाइट का इस्तेमाल करता हूँ। तो रिंग लाइट वहाँ इस वक्त किचन में यूज़ हो रहा है, तो और कोई जान नहीं सकता, तो मैं ऐसे इस तरीके से वाइड एंगल में अमिता को एंड उसको रिंग लाइट वगैरह जो भी आइटम बन रहा है वहाँ पे, दही वड़ा, उसका पूरा शूट करता हूँ। है ना बाबा, है ना बाबा, है ना बाबा। जब तक दही वड़ा बन रहा है तब तक मैं जाके पानी भर के ले आता हूँ। पानी कुछ दूरी में जाना पड़ता है, फिर वहां से कंधे तो उठा के लेके आना पड़ता है। आप जाओगे लेके आओगे, जाओ जाओ, आपके साइज का सिलेंडर है वो, तो 25 लीटर का वो, वो पानी का जार है। हाँ तो पता है, हो जाएगी बाबा। अमिता बोल रही बेटी 25 केजी की भी नहीं है, लेकिन वो सिलेंडर जो है वो 25 लीटर का है, तो मुझे जाके फटाफट लेके आता हूँ। बाहर से कुछ पास में जाना पड़ता है एंड वहाँ से फिर भर से खुद के लेके आना पड़ता है। एक्चुअली प्राइस कटिंग के वजह से, प्राइस कटिंग इन द सेंस कि अगर मैं उसे मंगाता हूँ घर पे कि भर के ले आके, तो 30 रुपये लगते हैं, ठीक है 30 रुपये, लेकिन अगर मैं उसे भर के लेके आऊँगा वहाँ से भराने गया, तो 12 रुपये में काम निपट जाता, बस कुछ दूर चल के जाना है, कंधे पे लाद के ले आना, तो उसके लिए मेरे पूरे 18 रुपये बचते हैं। तो मैं उसको बचाने के लिए ये सिलेंडर खुद ही जाता हूँ, खुद ही भर के ले आता हूँ। तो ये अच्छा है ना, अच्छी बात है ना भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना, यही बेटर है मेरे हिसाब से, या फिर मैं 30 रुपये का ही भराना चालू कर दूँ। मुझे नहीं लगता 12 रुपये यार सफिशियंट, 18 रुपये बच जाते हैं उससे, ताकि नेक्स्ट टाइम के सिलेंडर के पैसे और उससे ज़्यादा पैसे भी बच जाएंगे, कि 12 24 हो गए और बचे 6 रुपये, ये और 6 डाल के एक और सिलेंडर आ जाता है, तो 1.5 सिलेंडर का पैसा बच जाता है। है ना बाबा, सिलेंडर दो, सिलेंडर दो, दो पानी का जार दो। तो मैं फटाफट जाके पानी भर के लाता हूँ। अभिषेक गया है पानी लाने, मैं तब तक आप लोग को दिखा देती हूँ कि मेरा जो दही बल्ले है वो कैसा बन रहा है। किसको बुला रही हो? अभिषेक गया उधर, हाँ पानी लेने गया। हाँ, बड़े को जो है ना गरम पानी हींग और नमक के साथ धो के रखा है, और ये मेरा दही भी रेडी है जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाया है। तो बस वेट कर दियो, जैसे ये 5 मिनट हो जाएगा हम रेडी कर देंगे। तो मुझे बेसिकली 10 से 15 मिनट में मैं रेडी कर लेती हूँ। अगर आपको इसका रेसिपी जानना है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अमिताज क्यूजिन, AMITASCUISIN, इसमें आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके अभिषेक आ गया है, अभी मैं दिखाती हूँ कैसा लगता है वो। ए बाबा, तो पानी लेके आ गया हूँ मैं, पानी लाने में तकलीफ नहीं, बस कुछ पसीना निकलता है। पसीना मामा, पसीना, बस थोड़ा पसीना निकलता, थोड़ी सी मेहनत होती है वो। मेरे को लगता है कि एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी के लिए भी अच्छा है, भाई घर में बैठे बैठे क्या करूँ, थोड़ा एक्टिविटी हो जाता है एंड थोड़ा वर्कआउट हो जाता है इसी बहाने। क्योंकि जिम, जब से पैरालिसिस हुआ है एक तरफ में, तब से मैं जिम तो क्या कुछ भी नहीं किया, मतलब वर्कआउट तक के नाम पर कुछ भी नहीं किया, तो बॉडी और ज़्यादा वो ना हो जाए, बोलते आलसी वाले टाइप में, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ये सब करता रहता हूँ। जाके लेके आना भी अच्छा है एंड जैसे मैंने बोला फ़ायदेमंद भी है, तो पूरे 18 रुपये बच जाते हैं मेरे। जैसे मैंने बोला कि घर पे बुलाऊंगा तो 30 रुपये ले जाऊँगा, तो 12 रुपये, 18 रुपये बचाना, तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो यही करता हूँ। है ना बाबा, पानी भर गया, देखो पानी का सिलेंडर भर गया, पानी पानी तो भाई नेनुआ है, नेनुआ तेरे को ये तो नेनुआ 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 नहीं, मैं मार दूंगा तेरे को, मैं मारूंगा तेरे को, मैं मारूंगा, डिशिंग करके मारूंगा, डिशिंग करके मारूंगा तेरे को, हाँ मैं डिशिंग करके मारेगी मेरे को, डिशिंग करके मार, ये क्या नोज आईज हेड 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 मार दूंगा मैं, आई बाप रे, जोर से मार देना, जोर से मार देना, जोर से मारी आदू, जोर से मारी आदू आदू क्या, अरे बाप रे, देखो मुंह छुपा के फिर पीटी मेरे को,
पेट में मार रही है। दिखा दिखा तो, दिखा तो, हाँ दिखा तो, मारी भाई। ए, ए, बाबे, मार के हंस रही, मार के हंस रही तो, हाँ कैसे बताओ तो। ही बड़ा हो गया रेडी। देखो अमिता ने बनाया, बहुत ही लजीज और खूबसूरत दिखने में भी लग रहा है, देख रहे हो, मस्त लग रहा है। अमिता खा के दिखा तो एक। हाँ बहुत ही कमाल शानदार बना हुआ है, टेस्ट मेरे को मजबूत लग रहा है। आई मीन टेस्ट मजबूत किया नहीं मैंने, बट देखने में मस्त लग रहा है। हाँ अच्छा बना है। हाँ मस्त बना है, कमाल बनाई है। ये वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, अमिताज क्यूजिन। जोर से बोलना, कले में क्या है। अमिताज क्यूजिन में ये फुल वीडियो रेसिपी मिल जाएगी। अमिताज क्यूजिन में जाके आप ये पूरा वीडियो देख पाओगे।